सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि हम लोग दुबई चले जाएं, हम लोग यहाँ चले जाएं, हम इतनी दुनिया घूम लें, हम ये खरीद लें, हम इस तरह से कर लें। लेकिन मेरे दिमाग में घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना। मैंने जब से व्लॉग शुरू किया ना, कोई 3 से 4 लड़कियाँ मेरे घर का एड्रेस लेकर मुझसे मिलने आई कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, और साथ साथ वो व्लॉग भी बना रही हैं। क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, तो इतनी सारी ऑडियंस है ना, फिर किसी किसी को ही देखती है। सेकेंड प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ उमरा करने जाऊँ। हर तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इतने सारे चैनल देखे हैं, लोग कुकिंग चैनल बनाते हैं, लोग इस तरह के चैनल बनाते हैं, लेकिन वो पहले लोग देखते थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत कम करना शुरू कर दिया। हर तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इतने सारे चैनल देखे हैं, लोग कुकिंग चैनल बनाते हैं, लोग इस तरह के चैनल बनाते हैं, लेकिन वो पहले लोग देखते थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत कम करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ नामवर यूट्यूबर दी वायरल गर्ल निमरा अली मौजूद हैं। निमरा अली ने हाल ही में अपने ख्वाबों का घर हासिल कर लिया है। ये सफ़र कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा, जानते हैं निमरा अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निमरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच निमरा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं जानना चाहती हूँ, एक ख्वाब था आपका, हम सभी के ख्वाब देखते हैं, अपना घर बनाना, उस घर को हासिल करना कितना मुश्किल रहा? 4 साल लगे हैं मुझे उस घर को हासिल करने के लिए। मतलब जब से मैं वायरल हुई हूँ, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि हम लोग दुबई चले जाएं, हम लोग यहाँ चले जाएं, हम इतनी दुनिया घूम लें, हम ये खरीद लें, हम इस तरह से कर लें। लेकिन मेरे दिमाग में घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना। मेरे बहन भाई, हम सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 4 साल हम लोगों ने उस घर को, पहले हम लोगों ने प्लॉट खरीदा था, फिर उसके बाद जब प्लॉट खरीदा उसको बनाने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे थे तो मैंने कहा, मुझे सबने कहा कि गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। मैंने कहा क्या करूँगी गाड़ी का, ब्रेक तक तो मेरे पाँव पहुँचते नहीं है। फिर मैंने कहा कि जो पैसे हैं उसको घर पर लगा देते हैं और घर बना लेते हैं। फिर उसके बाद एक साल पहले मैंने प्लॉट खरीदा, फिर 6 महीने के अंदर अंदर उसको बना दिया। अच्छा, यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यूट्यूबर है ये और वो, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, आपको भी सुनने को मिलती होंगी, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म जो बहुत अंदर तक डीपली जिसने हर्ट किया हो? नहीं, मुझे इस तरह से कभी भी लोगों ने क्रिटिसाइज, लोग करते हैं, लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन मैंने कभी भी उस क्रिटिसाइज़ को इतना नेगेटिवली नहीं लिया। मैं कहती हूँ ठीक है, लोग हैं, बोलेंगे, हम लोग मुंह नहीं पकड़ सकते किसी के भी, ना ही लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उनको रोक भी नहीं सकती। मैं समझती हूँ कि अगर वो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो इट मीन्स वो मुझे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मैंने कभी भी बॉदर ही नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूबर बनना क्या इतना आसान है, और यूट्यूबर बनने के बाद आप 4 साल में अपना ख्वाबों का घर हासिल कर लो, क्या कहती हो कि मतलब हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हमने शिराज को देखा, उसे देखकर भी छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप क्या सजेस्ट करती हो? मेरे क्योंकि मैं अब जब व्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरा घर उसमें साफ साफ नज़र आ जाता है, तो मैंने जब से व्लॉग शुरू किया ना, कोई 3 से 4 लड़कियाँ मेरे घर का एड्रेस लेकर मुझसे मिलने आई कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, और साथ साथ वो व्लॉग भी बना लेती हैं। तो जब भी वो व्लॉग बनाती हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि यूट्यूब शुरू तो कर लो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है चलाना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ना आप लोगों को फेम मिलता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, तो इतनी सारी ऑडियंस है ना, फिर किसी किसी को ही देखती है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको सब्सक्राइबर मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं, व्यूअर्स मिल जाएं, बहुत मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ करो, लेकिन इस चीज़ को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। बिल्कुल। अच्छा निमरा, लाइफ में क्या गोल्स हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, उस पर आपको मुबारकबाद भी देते हैं और ढेरों दुआएं भी देते हैं, लेकिन आने वाले सालों में क्या गोल्स सोच रखे हैं कि अब घर के बाद ये गोल्स हैं मेरे? घर मेरा पहला गोल था, फिर उसके बाद देखें, जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे और जितनी ज़्यादा आप कमा रहे होंगे, आपको लगेगा कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो मेरे गोल्स भी उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान है और इंसान जो है वो नाशुक्र है। तो जब मैंने घर ले लिया था, मैंने घर तो ले लिया था, उसके बाद मैंने सोचा था कि मेरी जो सेकेंड प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ उमरा करने जाऊँ। उमरा करने के बाद जब मैं उमरा कर लूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं एक गाड़ी ले लूँगी, ताकि मैं, मेरी अम्मा जो है वो धूप में ऑटो रिक्शा में खज्जल खुआर होकर जाते हैं, मेरा भाई बाइक पे हमें लेकर जाता है, तो एक गाड़ी ले लूँ ताकि सहूलत हो जाए। फिर जब गाड़ी ले लूँगी तो फिर क्या करूँगी, चलो अम्मी को तो घर ले लिया, अब अपने लिए एक और घर ले लूँगी। तो ख्वाहिशात का जन्म होता ही जा रहा है, तो बढ़ती ही जा रही हैं ख्वाहिशें, लेकिन फिर उमरा और गाड़ी है बस। बिल्कुल। ये अच्छा निमरा, अगर जब आप वायरल हुई थी तो हमने बहुत सारे लोगों को आपकी तारीफ़ करते भी देखा, और कई नामवर एंकर्स थे, उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत नेगेटिव वे में उन्होंने आपका नाम लिया, क्या उनके साथ अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं? मैं यासर शामी का जिक्र कर रही हूँ, या अभी भी आप उनको ये बताना चाहती थी कि हाँ निमरा अली इधर उधर नहीं हो गई हैं? हाँ, मैं बताना भी चाहूँगी कुछ, और जब मैंने ये बात की
जब उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, वो एक बात कर रहे थे क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए थे उस टाइम, तो उन्होंने वो बात करी। लेकिन जब मैं एक चैनल में काम करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बोल दो, तो क्योंकि मैं चैनल में काम करती थी, वो मुझे जो कहते थे मुझे करना पड़ता था, वो मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मैंने गलत किया, वो मेरे से बड़े हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो गलत है। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि गंद की कोई उम्र नहीं होती, वो कहीं नज़र नहीं आता, तो मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं प्राउड फील नहीं करी ना ही गुरूर करूँ, लेकिन मैं दुआ करूँगी कि मैं इसी तरह से मतलब लोगों को नज़र आती रहूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैंने अपना घर भी अचीव कर ही लिया। बिल्कुल, और लोग कर ही लेते हैं, वो अलग बात है, लोग इधर उधर हो जाते हैं, बात तो बिल्कुल नेगेटिव तरीके, नेगेटिव चीज़ों को हमें परस्यू नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। लेकिन निम्रा, आजकल सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी ज़्यादा होती जा रही है, आप एक यूट्यूबर हो, इस नेगेटिविटी को हम किस तरह से कोप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? मेरा पता क्या मानना है कि जो लोग देखते हैं ना, वही लोग बनाते हैं। तो आप अच्छी चीज़ें देखेंगे ना, तो लोग अच्छी चीज़ें भी बनानी शुरू कर देंगे। हमारी जो आवाम है वो देखना ही गन चाहती है, फिर इसलिए जो बनाने वाला है वो मजबूर हो जाता है कि ऑडियंस ये देखना चाहती है तो मैं ये बना लूँगा। अब हर तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इतने सारे चैनल देखे हैं, लोग कुकिंग चैनल बनाते हैं, लोग इस तरह के चैनल बनाते हैं, लेकिन वो पहले लोग देखते थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत कम करना शुरू कर दिया क्योंकि गंद ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली है। अब हर कोई उठ के मतलब ये भी बना लूँगा, ये भी बना लूँगा, गंदी गंदी वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं। हमारी जो मतलब मैं टिकटॉक से मेरा ताल्लुक है ना, मैं टिकटॉक पे देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि इस तरह के लोग वीडियोस बनाकर फेम हासिल कर रहे हैं, क्या फ़ायदा इस फेम के, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म होगा, थोड़ी देर तक आपको लोग देखेंगे, फिर उससे अगला कोई आ जाएगा, फिर वो उसको देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छा काम करें ताकि लोग अच्छी चीज़ें देखें। ठीक है निम्रा, अभी आप स्टडीज कर रही हैं, क्या स्टडीज़ कर रही हैं, मास कम्युनिकेशन कर रही हैं, मास कम्युनिकेशन को मज़ीद आगे कितना आगे लेकर जाने का प्लान है, स्टडीज़ कहाँ तक करनी है? मैंने पहले तो सोचा था कि मैं मतलब मेरी जो डिग्री है वो 4 साल की है मैथ्स कम्युनिकेशन की, तो मैं बस वही करूँगी और फिर उसके बाद ख़त्म। लेकिन अब मेरी मामा कहती हैं कि पढ़ोगी नहीं तो फिर क्या करूँगी, वेली बैठी रहूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं चाइना जाऊँगी और चाइना जाकर दो मतलब एक साल का एक कोर्स था वो करके आऊँगी। अब मेरा डिग्री कम्प्लीट हो जाए तो फिर मैं जाऊँगी। हर तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इतने सारे चैनल देखे हैं, लोग कुकिंग चैनल बनाते हैं, लोग इस तरह के चैनल बनाते हैं, लेकिन वो पहले लोग देखते थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से क्या आपको भी मिसयूज़ किया गया? मेरा तो ऐसा यूज़ किया है, अभी तक लोग मेरा यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं चलता, मुझे सामने वाला बता रहा था कि यहाँ तो तुम्हारा यूज़ हुआ है। फिजिकली तो मेरा कोई यूज़ कर ही नहीं सकता, मेरी शक्ल नहीं है, आपको लगता है कि कोई यूज़ कर सकता है? मैं तो आज तक फीमेल मेल फ्रेंड्स भी नहीं बना सकी, तो मेरा क्या ही कोई मिसयूज़ कर लेगा? और मेरे पास कोई आने की कोशिश करे या मुझे इस तरह की कोई बात करे तो मैं फ़ौरन जाके अपनी अम्मी को बता देती हूँ। और उस तरह से यूज़ बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं इतनी हमदर्द किस्म की लड़की हूँ कि कोई मुझे कहेगा ना कि मेरे घर पे राशन नहीं है, तो मैं तो उसको राशन भी डलवा के दे देती हूँ। और फिर मुझे लोग कहते हैं, बिल्कुल मेरा स्टार्टअप है मैम, आप हमें चैनल पर इंटरव्यू देते हैं, फिर वो इंटरव्यू करते हैं, फिर उसमें वो पता नहीं कैसे कैसे अजीब गरीब सवाल करते हैं, फिर क्योंकि इंटरव्यू करके थंबनेल बहुत अजीब सा बना लेते हैं कि निम्राली की शादी हो गई है इससे, निम्राली यहाँ चली गई है, निम्राली वहाँ चली गई है। जब मैं वायरल हुई थी, मेरे वायरल होने के बाद एक बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया और थंबनेल में लिखा, निम्राली ने DHA में घर ले लिया है, निम्राली ने 5 गाड़ियाँ ले ली हैं, निम्राली ने प्राइवेट जेट ले लिया है, निम्राली ऑटो रिक्शे भी आई है यहाँ पे भी। बिल्कुल निम्रा, आप बहुत ज़्यादा साफ गो हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में इतने साफ लोग हैं। अच्छा निम्रा, आखिर में जानना चाहूँगी, एक यूट्यूबर हो और माशाल्लाह इतना नाम कमा चुकी हो, क्या सोचती हो, शादी भी किसी यूट्यूबर से करोगी, इन्फ्लुएंसर से करोगी या किसी अलग फील्ड वाले इंसान से करोगी? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन मेरी अम्मा कहती हैं कि क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक सोशल मीडिया से है तो तुम्हें समझ भी सिर्फ एक ऐसा बंदा ही सकता है जो सोशल मीडिया से हो, वरना तो बहुत बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे तो बड़ा डर लगता है शादी से, जब मैं शादी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी शादियों के बारे में सुनती हूँ कि भाई इसकी शादी कामयाब नहीं हुई, इसको तलाक हो गई है, ये तो मुझे डर लग जाता है। मैं कहती हूँ फिर तो मेरी 4-4 शादी होंगी, जितनी मैं इरिटेटिंग हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कभी कभी मैं सोचती हूँ शादी करनी नहीं है, लेकिन अगर सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का हो जो मुझे समझे, मेरे काम को समझे, मेरी फैमिली को समझे, तो फिर। लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते, और निम्रा आप जितनी प्योर हैं, आपको आप जैसा ही एक प्योर लाइफ पार्टनर मिले। अच्छा निम्रा, आखिर में ये जानना चाहती हूँ कि जब आप वायरल हुई, बहुत कम एज थी आपकी, तो वो उन लड़कियाँ जो बहुत टीन एज में, बहुत कम उम्र में वायरल होती हैं, मीडिया में आती हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करो कि किस तरह से अपना बचाव कर सकती हैं वो? मैं जब वायरल हुई थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने ना एक ही बात कही थी कि ये सोशल मीडिया जो है ना, ये गंद है, जो सासी की बात है, तुम इसमें महफूज नहीं रह सकती, हर तरह से लोग तुम्हें जो है वो अपनी तरफ घेरने की कोशिश करेंगे, ये होगा वो होगा। तो जो पहले दो साल तो मैंने ऐसे गुजारे कि मेरे साथ मेरी अम्मी हर जगह जाती होती थी, हर जगह। इवन जब मैंने जॉब शुरू की तो वो जॉब पर भी मेरी मामा मेरे साथ जाती थी।
फिर क्योंकि मेरे मामा धूप में कितनी देरी कर लेती थी, मैंने मामा को कहा कि आप यकीन रखें अपनी बेटी पर, मैं कहीं भी कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाऊंगी और मुझे जाने दें। और क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरा तो पाला अच्छे लोगों से ही पड़ा है, जो साफ सीधी बात है, और मेरा कभी ध्यान भी उस तरफ नहीं गया। मैंने बताया कि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे तो इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया। तो जब आप लोग भी, लड़कियों को बहुत शौक पड़ता है देख देख करके, भाई ये इतने अच्छे कपड़े पहनिए, तो मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देती हूँ, तो लोगों का शौक बढ़ता है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहकर करें और बस अपने काम से काम करें। बिल्कुल जी, यकीनन आप लोगों ने निमरा अली की बातों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और कुछ सीखा भी होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन निमरा, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए। अल्लाह हाफिज़।